नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस, भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार की पोल खोलेगी। कांग्रेस विधायक जन सरोकार से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए प्रस्ताव देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, फसली मुआवजा, जलभराव, बुजुर्गों की पेंशन कटौती, बढ़ते अपराध, नशे, अवैध खनन, घोटाले, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की खस्ता हालत समेत जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी विधायकों ने अपने अपने हलकों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार की नीतियों के चलते जनता पर लगातार कर्ज और करप्शन का बोझ बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी बढ़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किया कि ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी भी, रबी का तो इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है, खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक तरह से गिरदावरी नहीं, इन्होंने असेसमेंट किया कि 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा, ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूँ, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला, कोई कंपनसेशन नहीं दिया है, और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई, ना तो निकासी का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं, ये बहुत तो की तो रबी ये मतलब बिजाई भी नहीं हुई, यह इतना काम खराब है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।